अहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने सवाल पूछा कि उनकी अहलिया की ड्यूटी सखर में है और उसकी ड्यूटी कराची में है, और बावजूद इसके कि वो आसानी से हकदार हैं हम और अहलियत भी रखते हैं और हमारा हक भी है कि ड्यूटी यहाँ कराची मुंतकिल की जाए, लेकिन वो नहीं करते, रिश्वत मांगते हैं, तो क्या ये रिश्वत का गुनाह फिर मुझे होगा या मैं रिश्वत दे दूँ तो इसमें ये ज़्यादती तो नहीं होगी, किसी से हक तो नहीं मारा जाएगा, या क़यामत के दिन बाद फुर्स तो नहीं होगी, या अमाल तो ज़ाय नहीं हो जाएंगे। याद रखिएगा, हर वो काम जिसका बंदा मुस्तहिक हो, हकदार हो और उसमें दूसरे का नुकसान ना हो, और जायज़ काम ये जायज़ तरीके से भी आगे अक्सर ना करें और रिश्वत लिए बगैर कोई काम ना करते हूँ, जायज़ काम जायज़ तरीके से काम ना कर रहे हूँ, तो फिर इस एतबार से उनको भिखारी समझ कर, उनको फ़कीर समझ कर, उनको मंगता समझ कर, तो उनको भीख दे दें, भीख समझ कर, और इस मजबूरी में आपको गुनाह नहीं होगा, लेकिन उनके लिए हराम है, वैसे ही जैसे कुत्ता खा रहे हैं, वैसे ही जैसे हराम खा रहे हैं, इसलिए उनके लिए तो किसी तरीके से जायज़ नहीं है, आपके लिए उसमें गुंजाइश है कि कम अज़ कम एक ही शहर में मियाँ बीवी हो जाएंगे, एक शहर में सुकून हो जाएगा, साहब मेरे बच्चे कहीं और हों, खुद कहीं और हो, तो बंदा बेसकून होता है, परेशान होता है, तंग रहता है, जिस एतबार से आपके लिए गुंजाइश है। इसी तरह एक साथी ने सवाल पूछा कि हमारा इलाका दरियाई था, तो दरिया की वजह से पूरा गाँव शिफ्ट हो गया, कहीं वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद वीरान हो गई, अब वो मस्जिद वीरान है, वहाँ कोई करीब कोई घर नहीं है, तो लोग वहाँ जाकर क्या उस वीरान जगह को हम ज़रात में, बागीचे में, बाग में तब्दील कर सकते हैं, खेती बाड़ी में तब्दील कर सकते हैं, वरना लोग पेशाब करने की जगह बना चुके हैं। मेरे अजीज़, जो मस्जिद बन जाए वो क़यामत तक मस्जिद रहती है, चाहे वो गैराबाद हो जाए, वीरान हो जाए, इलाका ख़त्म हो जाए, लेकिन मस्जिद का हुक्म तब्दील नहीं होगा। इसलिए चाहिए कि या तो वहाँ कोई नमाज़ें शुरू कर दें, दूर दराज से आपको अजर मिलेगा, उसको आबाद करें आपको अजर मिलेगा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर उस मस्जिद को पैक कर दे, बंद कर दे कांटों के ज़रिए से या कोई दीवार के ज़रिए, ताकि ये बूढ़े भाले और नादान लोग वहाँ पेशाब ना कर सकें। तो हालांकि जब आप फरमा रहे हैं कि वो एक किस्म का जंगल है या वीरान है, गैराबाद है, तो फिर पूरी जगह छोड़कर इसी जगह पर ये बदबख्ती करनी है उन्होंने? इतना नादान दुनिया में कौन है? मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कोई मुसलमान बासर हो, इस इलाके का वडेरा टाइप का हो, तो उसको चाहिए कि दारदा करे, उस मस्जिद को पैक करवा दे, ताकि कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे बहनें हमारे हर पैगाम को सुनेंगे और दूसरों को भी सुनाएंगे, खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को भी कराएंगे।